Dear students, today we discuss the important topic of physics, measurement. तो आज का हमारा टॉपिक है मापन. हम लोग पढ़ेंगे कि मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है. देखिए मापन क्या है, तो मापन को हम इजियर वे में समझ सकते हैं कि जैसे ये एक पॉट में पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को हम कैसे जानेंगे कितना पानी है, ये कितना पानी है. तो हमने क्या किया है, एक ये पॉट में पानी रखा हुआ है, तो इस पानी को हम इस बीकर में ट्रांसफर करेंगे, और ये बीकर हमारा 1 लीटर का है. तो जब इस पानी को इस पॉट में ट्रांसफर करेंगे, जब इस बीकर में डालेंगे इस पॉट से इस पानी को, तो ये पानी मान लीजिए हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं. अब देखिए इस पॉट के पानी को हमने इस बीकर में ट्रांसफर कर दिया है, तो अब हम जान सकते हैं कि देखिए इस बीकर में कितना पानी हो गया है, 1 लीटर. तो इसकी माप कितनी हो गई, पानी की माप कितनी हो गई यहाँ पे, 1 लीटर. अब देखिए हम इस बचे हुए पानी को, इस ये हमारा 1/2 लीटर का बीकर है, हमारा 1/2 लीटर का बीकर है, तो इस 1/2 लीटर वाले बीकर में ये बचा हुआ पानी डालेंगे, ये बचा हुआ पानी इस 1/2 लीटर के बीकर में ट्रांसफर करेंगे. ये देखिए हमारा ये जो पूरा पानी था उसमें से हमने 1 लीटर के बीकर में इतना पानी डाल लिया है, अब ये बचा हुआ पानी हम लोग 1/2 लीटर के बीकर में डाल के देख रहे हैं. अब देखिए इस बचे हुए पॉट का जो वाटर था वो हमने 1/2 लीटर के बीकर में ट्रांसफर कर लिया है, ये बचा हुआ पानी हमने 1/2 लीटर के बीकर में डाल लिया है. अब देखिए ये जो कुछ पानी था पहले हमने 1 लीटर के बीकर में डाल लिया था, अब बचा हुआ पानी हम 1/2 लीटर के बीकर में डाल लिया है हमने. तो देखिए अब टोटल कितना पानी था इस बाल्टी में हम आसानी से बता सकते हैं, 1 लीटर ये और 1/2 लीटर ये, इसे हम बोल सकते हैं 1.5 लीटर, इसे बोल सकते 1.5 लीटर पानी था पूरा. तो अब हमने इसे लीटर की सहायता से माप लिया है कि इसमें बाल्टी में कितना पानी था या इस पॉट में कितना पानी था. तो देखिए हम इसी तरह से माप सकते हैं किसी भी चीज को, उसके एक मानक से हम माप सकते हैं कि वो कितनी है. हम कोई चीज जैसे मार्केट से खरीदने जाते हैं, जैसे ये एप्पल्स रखे हुए हम मार्केट से इन्हें खरीदने गए हैं, तो हम उन्हें माप बता देते कि हमें 1 किलो सेब चाहिए या 1 किलोग्राम चाहिए, या कोई भी चीज़ है हमें 1 किलो चाहिए या 1/2 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए. तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक, एक माप बना दी गई है, तो जिससे हम किसी चीज़ को जान सकते हैं कि वो कितनी है. जैसे यहाँ पे पानी था तो हमने जान लिया लीटर से वो कितना है, यहाँ पे ये सेब रखे हुए तो उन्हें हम जान लेंगे ये कितने किलोग्राम है. तो इसी तरह से हर चीज़ को जानने के लिए वह कितनी है क्या है, तो उसे उसके लिए एक मानक निश्चित कर दिया गया, एक निश्चित मानक से हम जान लेते हैं कि वो चीज़ कितनी है. अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलना करने के अध्ययन को मापन कहते हैं. किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलना करने के अध्ययन को मापन कहते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई चीज़ है, यहाँ पे हमने पानी लिया हुआ है, तो पानी को जब हमने बीकर में डाला, पानी की तुलना हमने किससे की, बीकर से, अब हमारा बीकर जो है वो 1 लीटर का है, तो जब ये बीकर में हमने पानी भर लिया तो हमें क्लियर हो गया कि पानी भी 1 लीटर है, पानी की माप कितनी हो गई, 1 लीटर. तो इसकी हमने किससे तुलना कर ली, एक निश्चित मानक है, हमारा निश्चित मानक क्या है, लीटर. और यहाँ पे देखिए जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे ये मान लीजिए इतनी लंबाई को हम 1 मीटर कहते हैं, तो इस बॉक्स को हमने नाप लिया ये इतनी लंबाई का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बॉक्स की लंबाई कितनी है, 1 मीटर. तो इसके लिए निश्चित मानक क्या हो गया, मीटर. अब देखिए एक बार इसे फिर से देख लेंगे कि किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलना करने के अध्ययन को मापन कहते हैं. तो देखिए हमने किसी भी चीज को मापने के लिए कुछ मानक तैयार कर लिए, कुछ निश्चित मानक तैयार कर लिए. जैसे 1 लीटर तैयार कर लिया तो हम कैसे नाप पाएंगे कि ये पानी कितना है, तो उसे लीटर से माप लेते हैं कि पानी कितना है. जैसे कोई चीज़, किसी चीज़ की लंबाई है तो लंबाई को कैसे मापेंगे, तो उसके लिए एक मानक तैयार कर लिया, एक निश्चित मानक तैयार कर लिया, मीटर. तो हम उससे नाप सकते हैं कि लंबाई कितनी है. तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए डेफिनेशन को.
एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलना करने के अध्ययन को मापन कहते हैं। कोई भौतिक राशि है उसकी तुलना करनी है किसी निश्चित मानक से। कोई एक ऐसी चीज मान लीजिए उससे तुलना करनी है भौतिक राशि की, तो कोई भौतिक राशि ले ली, जैसे हमने लंबाई, तो लंबाई के लिए निश्चित मानक क्या होता है? मीटर। अब इसी निश्चित मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक। भौतिक राशि की तुलना किसी निश्चित मानक से की जाती है, उसी निश्चित मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। जैसे कोई पूछे कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो हम क्या बताएंगे? मीटर। तो इस तरह से समय का मात्रक क्या है, तो वो सेकेंड। तो इसी भौतिक राशि के निश्चित मानक को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक। तो आप इसे नोट करके लिख भी सकते हैं कि यही निश्चित मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है।